हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं टिंकू कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी। भारतीय वायुसेना में एक और बच्चों को लगने का सुनहरा मौका है। इसमें काफ़ी पोस्ट आई हैं इस बार और इसमें वाई ग्रुप में है सारी पोस्ट जो हैं, और इसके 28 मार्च से यह भर्ती चल रही है और यह 4 मार्च तक भर्ती चलेगी, सॉरी 4 अप्रैल तक भर्ती चलेगी। और इसमें मैं बता दूं, आपको देख ही रहा होगा, इसमें ये आपका जो है मतलब मध्य प्रदेश के लिए है और चंडीगढ़ के लिए है इसमें। और आगे बता दूं इसमें, ये देखो 31 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगी। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 31 मार्च दिया गया है। और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंस में है इसकी भर्ती, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रूटीन टेस्ट होगा इसमें। और इसमें मैं बता दें किस किस स्टेट के लिए है, इसमें ऑल दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इसमें जो दिए गए हैं, गुजरात है और महाराष्ट्र, गोवा है और दमन है, यूई है। और इसमें आगे मैं आपको बता दूं, इसमें 3 अप्रैल 2024 टू 4 अप्रैल तक चलेगी। इसमें रिपोर्टिंग टाइम 3 अप्रैल है। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा मांगा गया है बीएससी इन फार्मेसी। और इसमें आपको आगे बता दूं, आपको दिख रहा होगा इसमें यह किस किस स्टेट के लिए है, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दामन आदि के लिए है। और इसमें आपको आगे बता दूं और थोड़ा सा, इसमें जो है एलिजिबिलिटी जो है वो उसमें देख रहा होगा आपको, इसमें मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए कैंडिडेट शुड बी अनमेरिड एंड ब्राउन, इनका जन्म 24 जून 2003 से और 24 जून 2007 के बीच में होना चाहिए, आपको इसमें दिख रहा होगा। ये आपको बता दूं इसमें, ये आपको दिख ही रहा होगा इसमें। और इसमें थोड़ा सा दोबारा और दिखा दूं आपको इसे, ये रहा। और इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको बी पे लेके चलते हैं, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो मांगा गया है उसमें, इसमें आपको दिख रहा होगा इसमें मेडिकल ट्रेड के लिए जो मांगा गया है, सॉरी मेडिकल ट्रेड के लिए जो मांगा गया है आपको इसमें दिखा दूं, ये है देखो, इसमें डिप्लोमा है और बीएससी फार्मेसी है। अनमेरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन मतलब 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2005 के बीच में आपकी जन्मतिथि होनी चाहिए। और मेरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन मतलब इसमें मेरिड भी भर सकते हैं, तो इसमें मेरिड वालों के लिए 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2003 के बीच के बच्चे इसमें भर सकते हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दूं, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वह आपको दिख रहा होगा, 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट। और इसमें एग्ज़ाम मतलब क्या क्या होना चाहिए आपको, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। और एजुकेशन बोर्ड रिकॉर्डिंग सेंटर स्टेट एंड यूटी विद ए मिनिमम मार्क्स, आपके में 50% मार्क्स मांगे गए हैं और 50% आपके इंग्लिश में होने चाहिए मार्क्स। और इसमें बता दो, इसमें बायोलॉजी वाले बच्चे भी भर सकते हैं जिन्होंने बायोलॉजी से इंटर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और उसमें 50% उसमें भी इंग्लिश मांगे गए हैं। उसमें अनमेरिड वाले भी बच्चे भर सकते हैं, जो मेरिड हैं वो भी भर सकते हैं। और एजुकेशन बोर्ड मतलब 10th प्लस 2 कोई सी भी स्टेट से हो आप वो भर सकते हो। और इसमें बता दूँ आपको, ये है लाल परेड ग्राउंड, इसमें मतलब लाल परेड ग्राउंड पर बुलाया जाएगा आपको, ठीक रहा होगा इसमें, ये रहा लाल परेड ग्राउंड मध्य प्रदेश में है जो। और इसमें मैं आपको आगे इसमें हाइट की मतलब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, इसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। इसमें हाइट जो मांगा गया है वह 1.52 सेंटीमीटर मांगा गया है। और इसमें चेस्ट
जो है वो चेस्ट जो है मतलब इसमें फुलाव जो मांग गया है पाँच पाँच का फुलाव मांग गया है, और इसमें हाइट एंड एज एंड IAIF एप्लीकेशन होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। इसकी सैलरी बेसिक सैलरी के बारे में बता दूँ, इसकी सैलरी जो है वो इसमें अच्छी खासी सैलरी दी गई है। उसमें फिजिकल जो होगा इसमें फिजिकल की जानकारी देती हूँ थोड़ी सी आपको, इसमें जो फिजिकल मांगा गया है इसमें फिजिकल की आप देख रहे होगे, इसमें फिजिकल की ये है जिसमें 1.6 मतलब 1600 मीटर 7 मिनट में मांगा गया है, और 21 एज वालों के लिए, और 7 मिनट 30 सेकेंड फॉर कैंडिडेट जो 21 साल से प्लस के बच्चे हैं उनको 7 मिनट 30 सेकेंड मांगा गया है, और BSc फार्मेसी, और इसमें 10 पुशअप हैं और 20 वे हैं ऊपर वाले जो मारते हैं डिप्स, और इसमें रिटन टेस्ट होगा। इसमें जो 2.25 नेगेटिव मार्किंग है उसमें 45 मिनट मिलेंगे आपको, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और इसमें 30 क्वेश्चन रागा के आएंगे जो कि आपको 45 मिनट में करने हैं, और इसमें आगे आपको आगे बता दूं, और इसमें आगे कुछ इतना खास नहीं है, और थोड़ी सी जानकारी और दिखा दूँ आपको, ये है इसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, सुबह ये तो बेसिक बेसिक जो जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। तो मैं जय हिंद जय भारत।